नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग वर्धमान महावीरह पढ़ चुके थे और उसमें के प्रश्न उत्तर को सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो आज प्रश्न उत्तर में हम आगे पढ़ेंगे पूर्ण वाक्य उत्तरत। इसके पहले बच्चों, यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपकी हेल्प कर रहा हो, हाँ, पढ़ाई में आपकी हेल्प कर रही हो रहा हो, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वाक्य उत्तरत। वर्धमान महावीर से पितुः नाम किम् आसीत्। पहला प्रश्न क्या है कि वर्धमान महावीर से, वर्धमान महावीर के, ठीक है। पहले इसकी कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ चलिए, वर्धमान महावीर से, ये देखिए आधा स और य आ गया ना, तो अब आप समझ गए होंगे कि आधा स और ये जब आएगा तो क्या होगी, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। और कौन सा संबंध कारक और चिन्ह होता है, का की और के, का की के होता है, ठीक। ये आप ट्रिक हमेशा याद रखिए, ये एक वचन का है। तो हम क्या लगाएंगे, वर्धमान महावीर, वर्धमान महावीर के, ठीक है, महावीर के पितुः नाम, पिता का नाम, किम मतलब क्या, आसीत मतलब था। आप यदि संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उसका आपको अनुवाद करना आना चाहिए, नहीं कि सिर्फ अंदाजे से आप कर लिए, उसका आपको अनुवाद आना चाहिए। वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था, तो वर्धमान महावीरस्य पितुः नाम, पिता का नाम, पितुः षष्ठी विभक्ति है, समझ लीजिए। आप जो है जब आप रूप याद करेंगे तो उसमें पितु क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। वर्धमान महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ आसीत, सिद्धार्थ था। महावीर से जन्म कुत्र अभवत, महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था। कुत्र मतलब क्या होता है, कहाँ, ठीक है, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कहाँ हुआ था। तो महावीर से जन्म ईसा पूर्व 599 तमे वर्षे वैशाली नगर से अभवत। महावीर का जन्म ईसा से पूर्व 599 वर्ष, तमे 99, ठीक है। ऐसे जब लगाते हैं उसमें हम तमे लगाते हैं, उसका मतलब होता है वे, ईसा पूर्व 599 वर्ष में वैशाली नगर से। देखिए ए आया ना, तो ये क्या है, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, वर्षे में, तो एक वचन, वर्ष में वैशाली नगर के, वैशाली नगर से अवत। महावीर का जन्म ईसा पूर्व 599 वर्ष में वैशाली नगर में हुआ था। यहाँ देखिए बच्चों, नगरस्य नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा नगरे, क्या रहेगा, नगरे। यहाँ पे अस आप क्या करेंगे, हटा दीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए नगरे अभवत, नगर में हुआ था, ठीक है, अस आप नहीं लिखेंगे। अस का मतलब तो का की के होता है, तो आप हिंदी में जब बनाएंगे तो वर्ष में वैशाली नगर में हुआ था, तो में क्या हो जाएगा, नगरे अभवत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महावीर से पुत्र्याः नाम किम् आसीत। पुत्र्याः मतलब पुत्री, पुत्री का नाम, महावीर के पुत्री का नाम किम् आसीत, क्या था, ठीक है। पुत्र्याः नाम, पुत्री का नाम क्या था। महावीर से पुत्र्याः नाम प्रियदर्शिनी आसीत, उनकी उनके पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शिनी था, ठीक। जैन मतानुसारेण, देखिए एन आया, एन या एण आएगा तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तृतीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति हो जाएगी आपकी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी, एन या एण आएगा तो। और एक वचन करण कारक है, ठीक है, और इसमें चिन्ह तो से या द्वारा होता है, ठीक है, चिन्ह क्या होता है, से या फिर द्वारा। तो
क्या हो गया? जैन मत के अनुसार से महावीरात, महावीर से पूर्व, महावीरात में पंचमी विभक्ति आपकी लगी है, महावीरात में आपकी कौन सी विभक्ति लगी है? पंचमी विभक्ति, पूर्वम। जैन मत के अनुसार से महावीर से पूर्व कति, कितने, कति मतलब क्या होता है, कितने तीर्थंकराः, तीर्थंकर अभवन हुए थे। जैन मत के अनुसार से महावीर से पूर्व कितने तीर्थंकर हुए थे? तो जैन मत के अनुसार से महावीरात पूर्वम त्रयोविंशति तीर्थंकरा अभवन। त्रयोविंशति का हमने कैसे बताया था आपको, पढ़ना, गिनती पढ़ना कैसे बताई थी? विंशति हम पीछे से पढ़ते हैं, विंशति मतलब होता है 20 और त्रय मतलब 3 और 20 और 3 23, ठीक है, 20 और 3 कितना हो गया, 23। तो त्रयोविंशति 23 तीर्थांकर हो चुके हैं, हुए थे जैन मत के अनुसार से महावीर से पूर्व 23 तीर्थांकर हुए थे, ठीक है। हिंदी आप ध्यान में रखते चलिए, इसकी हिंदी क्या होती है। अब फिर से आया प्रश्न, फिर आपका चौथा क्या है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नानाम प्रश्नों के, ढेर सारे प्रश्न हो गए ना, तो ये क्या, प्रश्नानाम, रामायणाम, ये षष्ठी बहुवचन है। प्रश्नों, ढेर सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों के, संबंध कारक इसमें भी लगेगा, संबंध कारक ही है, हाँ, और चिन्ह इसका काकी के है। तो प्रश्नानाम उत्तराणाम, हाँ, प्रश्नों के उत्तराणाम, उत्तर लिखत, लिखो, ये लिखत भी कौन सा आपका लकार हो गया, लिखत में आपका है लोट लकार, आज्ञा दे रहा है कि प्रश्नों के उत्तर को लिखो, ठीक है भाई। कानी पंच महाव्रताणि संति, कानी कितने पंच महाव्रत हैं, संति क्या है, संति बहुवचन है, अस्ति एक वचन है, तो संति क्या है, बहुवचन है, हैं इसका मतलब होता है, हैं ये बिंदी हैं, तो कितने पंच महाव्रत हैं, तो आप पंच महाव्रत लिख लीजिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इति, ऐसे पंच महाव्रतानां संति, पंच महाव्रत हैं, हो गया ना, सत्य, अहिंसा, अहिंसा मतलब मारपीट न करना, अस्ति चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपरिग्रह मतलब ज़्यादा संग्रह न करना, इति, ऐसे ये पंच महाव्रत हैं, ठीक है। त्रिरत्नानि कानि संति, अब तीन रत्न कौन हैं, त्रिरत्नानि तीन रत्न कानि कौन कौन से हैं, कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं भाई, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम, ठीक, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इति, ऐसे त्रिरत्नानि तीन रत्न संति हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, महावीरस्य, अब ग क्या है, ये देखिए, महावीरस्य उपदेश है के प्रभाविता अभवन, महावीर के उपदेश से, ठीक है, उपदेश है, उपदेश से करण कारक है इसमें, उपदेश से के कौन कौन, के मतलब कौन कौन, प्रभाविता प्रभावित अभवन हुए थे, महावीर के उपदेश से कौन कौन प्रभावित हुए थे। तो भाई आप अपनी बुक जब पढ़े होंगे, और जब हमने बुक पढ़ाया था आपको, तो बताया भी था, हाँ, और आप पढ़े भी होंगे कि महावीरस्य उपदेश है, महावीर के उपदेश से साधारण जन, साधारण जन, साधारण लोग, सह, साधारण लोगों के साथ। अब देखिए यहाँ पे बच्चों एक चीज़ समझिए, यहाँ पे क्या आ गया है, सह, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जनेह, साधारण जनेह, तो साधारण लोगों के, यहाँ पे क्या इसकी हिंदी बन रही है, साधारण लोगों के, और सह है, तो जहाँ भी सह आता है वहाँ पर
उसमें क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति ही लगेगी। अब हम भले ही उसका उच्चारण हम के जो भी सेंटेंस में उपयुक्त हो वो पढ़ें, लेकिन उसके साथ में क्या लगती है, तृतीय विभक्ति ही लगती है। तो साधारण जने में कौन सी विभक्ति लग गई है, तृतीय विभक्ति है। तो महावीर के उपदेश से साधारण लोगों के साथ बिम्बिसार देखिए के पढ़ना है, लेकिन है तृतीय लोगों के साथ बिम्बिसार अजात शत्रु इत्यादि प्रवृत्ति मतलब इत्यादि राजा प्रभावित अभवन हुए थे। ठीक है, महावीरस्य उपदेशः साधारण जनः सह बिम्बिसार अजात शत्रु प्रवृत्तियो राजान प्रभाविता अभवन। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, महावीरस्य मनसः, महावीरस्य फिर आया ना आधा स और यानी कि षष्ठी विभक्ति। बार बार इस चीज़ को पढ़ने से आपके दिमाग में वो चीज़ क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। हाँ, महावीर के मन की विकलता का कारणानी कौन से कारण आसन थे, महावीर के मन की विकलता के कौन से कारण थे। तो देखिए भाई कौन से कारण थे, समाजे क्या है, समाजे प्रचलित आडम्बर वर्ग भेद जीवहिंसा च महावीरस्य मनसः विकलताया कारणानि सन आसन। समाजे एक ही मात्रा आई ना, तो ये क्या हो गया, सप्तमी एक वचन, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक चिन्ह में और पर, में पर तो में लगाइए या वाक्य अनुसार पर लगाते हैं, तो समाज में प्रचलित आडम्बर वर्ग भेद और जीव हिंसा। देखिए च बाद में आया ना, तो च उसको पहले लगा देते, च का मतलब होता है और जीव हिंसा महावीर की मन की विकलता के कारणानी कारण आसन थे। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे वीडियो और कम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि संस्कृत है ना, तो संस्कृत बहुत से बच्चों को बहुत कठिन लगती है, तो संस्कृत आपको समझने में आसान हो। ठीक है, आप धीरे धीरे बात चीज़ों को समझिए, मिलेंगे तो आपको पूरे चैप्टर्स। ठीक, लेकिन हम धीरे धीरे आज आप छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आपके ये चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे और जितने भी आप क्वेश्चंस बचे हैं वो अगले वीडियो में आपके ये ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चंस ये हैं वो आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए और समझते हुए हिंदी उसकी समझते हुए लिखिए। ठीक, तो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।